बड़ी खबर से हम आपको मुखातिब करवाते हैं इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, ये आ रही है समालखा से। ग्राम सचिव पेपर लीक होने का मामला समालखा में से सामने आया, जहां पर एसपी ने गठित की थी 3 सदस्यीय कमेटी। एसआईटी में 3 पुलिस अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्कूल मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया इस मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समालखा से आ रही है। ग्राम सचिव पेपर लीक का मामला है, जहां पर इस मामले में एसपी ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और एसआईटी में 3 पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए। और एसआईटी ने स्कूल मालिक और उसके बेटे सहित 14 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं समालखा से। पेपर लीक का मामला आया ग्राम सचिव वाला, और ऐसे में एसपी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कमेटी में 3 लोग थे, 3 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था, जिसमें स्कूल मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, पूरे मामला क्या है, एक बार ये बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, ये रविवार का मामला है। ग्राम सचिव का पेपर चला हुआ था समालखा के एक स्कूल में जी, जहां पर स्कूल मालिक ने पेपर को सोल्व करने के लिए पूरी टीम बनाई हुई थी। तो पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिस पर टीम गठित की गई, उन्होंने मौके पर जाकर स्कूल मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार किया जी। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए राकेश शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवाया, जो कि समालखा से आ रही है। ग्राम सचिव पेपर लीक मामला था, जहां पर इस मामले लीक मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, और